हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्सिटी चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी जो कि है एस्टोनिया में, जो कि है यूरोप में। तो अगर आप जो है यूरोप जाना चाहते हैं और एनिमल हस्बेंड्री से जो है रिलेटेड काम करना चाहते हैं, मतलब पशुपालन के क्षेत्र में जो है काम करना चाहते हैं, देन ये जो है वैकेंसी आपके लिए है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस फार्म में जो है 1200 गाय अवेलेबल हैं और इन 1200 गाय के लिए जो है केयर टेकर की ज़रूरत है या फिर अटेंडेंट की जो है ज़रूरत है। बस इस पोजीशन का नाम है एनिमल केयर अटेंडेंट। और अगर आप जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं देन यहाँ पे जो एजुकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, प्लस अगर आप जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट मिनिमम जो एजुकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, प्लस थोड़ी बहुत जो है इंग्लिश आनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी अगर थोड़ा हो तो वो भी जो है एक एडेड बेनिफिट होगा। और इस फॉर्म में जो है आपको कई सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म जो है वहीं से रहेगा और साथ ही साथ आपके लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन भी वो प्रोवाइड करेंगे। इवन अगर रिक्वायर्ड है देन आपकी हाउस की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी जो है वो फुलफिल करेंगे। इवन एक अच्छी जो है यहाँ पे सैलरी भी आपको मिलने वाली है। और एस्टोनिया एक बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप जो है यूरोप में देखेंगे देन यूरोप में आपको जो है एस्टोनिया दिख जाएगा। और एस्टोनिया अगर आप जाएंगे देन आपको कई सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। काफ़ी सुहाना जो है वहाँ पर एनवायरमेंट रहता है, आपको जो है काफ़ी प्लीजेंट लगेगा वहाँ पर काम करने में। तो अगर आप जो है एस्टोनिया जाना चाहते हैं और एनिमल केयर अटेंडेंट की तरह से काम करना चाहते हैं देन ये जो वैकेंसी है आपके लिए है। आप जो है इसके सारे डिटेल्स हमारी वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है abroadjobhub.in, इसमें जो आके जो है आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और सारी रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो है इसमें फिट बैठते हैं देन आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने कहा कि अप्लाई करने के लिए 3-4 चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है कि आप जो है 10वीं पास होने चाहिए, दूसरी जो चीज़ है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, देन आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे, क्योंकि पहला प्रेफरेंस जो है लोकल कैंडिडेट्स को ही मिलता है, देन बाहर के लोगों को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसलिए जो है आप ये मत सोच लीजिएगा कि अप्लाई किया तो मिल ही जाएगा, आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसी को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप जो है हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ से जो है सारी डिटेल्स चेक करके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कर देंगे देन आपकी तरफ से जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी काम जो है एम्प्लॉयर की तरफ से है। और अगर आप जो है सिलेक्ट हो जाते हैं देन सारा प्रोसेस भी जो है एम्प्लॉयर की तरफ से किया जाएगा। तो आपको जो है वहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आपका जो लास्ट काम रहेगा वो है वीज़ा एप्लीकेशन, जिस टाइम जो है आप हमसे या फिर किसी भी एजेंट से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर खुद भी अगर पढ़े लिखे हैं देन आराम से जो है आप वीज़ा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और आप जो है फिर अब्रॉड जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है एस्टोनिया जाने का, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कि आपको यूरोपियन कल्चर देखने को मिलेगा और आप जो है वहाँ पे ऐसा काम करेंगे जो कि इंडिया में पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि गाय का देखभाल करना ये एक पुण्य का काम माना जाता है इंडिया में। तो आप जो है एक अच्छे काम के लिए भी जा रहे हैं और ये जो काम है काफ़ी सारे इंडियंस को आता है, क्योंकि ये जो फार्म है ये मिल्क प्रोडक्शन इनका मेन काम है। तो अगर आप जो है मिल्क प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं देन ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप जो है जाए और वहाँ पे जो भी गाय है गाय की देखभाल करें और उनके मिल्क प्रोडक्शन में जो है फार्म को हेल्प करें। तो ये एक बहुत अच्छी काम है जो कि काफ़ी सारे इंडियन शायद करना चाहेंगे। तो अगर आप जाना चाहते हैं देन ज़रूर जो है इसमें अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है देन आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं, हम जो है सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और सारे कमेंट्स के जवाब भी देने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए बट हम जो है जवाब दे ही देते हैं। तो आप जो है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे जो भी आपकी क्वेरी है वो जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।